जब मैं ट्रेलर देखता हूँ या हम कोई भी ट्रेलर देखते हैं, मैं बहुत हॉलीवुड की फील आती है. इतना अमेजिंग, इतना अप टू द मार्क लगता है. कहीं ऐसा फील ही नहीं होता है कि हम कोई इंडियन फिल्म का ट्रेलर देख रहे हैं, हम लगता है किसी हॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर देख रहे हैं. आप किस फिल्म से इंस्पायर हुए? जब मैं स्टोरी की बात करता हूँ, यू नो वी हैव सीन ट्रू लाइज, वी हैव सीन टर्मिनेटर, कौन सी ऐसी फिल्म है जिससे आप इंस्पायर हुए, यार ऐसा कुछ करना चाहिए जो इंडियन ऑडियंस ने नहीं देखा है और सिर्फ हॉलीवुड फिल्म्स का ही के माध्यम से उन्हें पता चला है? नहीं, मेरा ये बहुत सिंपल है कि अगर हॉलीवुड कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते. सिंपल. सो माय थिंग इज के हमारे आगे हमेशा ये ऑब्स्टिकल होता है कि हमारे बजट्स बहुत कम होते हैं एक्सेट्रा. एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट कि हमारे बजट्स इतना ज़्यादा तो नहीं, मतलब इट वॉजन्ट दैट ग्रेट अ बजट, बट लेकिन जितना भी दिया गया हमें, आई थिंक वी मेड अ फैंटास्टिक दिस. तो हमारा जो इंस्पिरेशन ये था कि वी फ्रॉम इंडिया, हमें भी ऐसी फिल्म बनानी चाहिए वेयर द वर्ल्ड कैन सी एंड से नहीं यार इंडिया में भी ऐसी फिल्म बनती है, इंडिया में भी ऐसे एक्शन हीरोज़ है, इंडिया में भी ऐसे सुपर हीरोज़ है, सुपर सोल्जर्स है, जो शायद लाइक आई से दे डोंट वेयर देयर अंडरवेयर आउटसाइड देयर पैंट्स बट दे आर सुपर सोल्जर्स एंड दे फाइट फॉर द कंट्री. तो अगर वहाँ पे आप जैसे आपने कहा अवेंजर्स देखे या वाइट हाउस डाउन, ऑल दीज फिल्म्स यू सी, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? एंड अटैक इज एन आंसर टू दैट. रकुल, गुड टू सी यू. दूसरे दिन लगातार मुलाकात हो रही है आपसे. हाउ डू यू मैनेज टू यू नो प्ले डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट पार्ट इन डिफरेंट फिल्म्स, कैसे कर लेती हैं आप? और सीरियसली द ट्रेलर लुक वेरी वेरी गुड. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई थिंक that's just compartmentalizing when you're doing a different role and you're obviously doing it on different times. तो जब आप एक फिल्म में हैं और आप एक कैरेक्टर के साथ हैं तो आप वो शूट ख़त्म करते हैं. ये अभी ऐसा लग रहा है कि ये कैसे हो रहा है क्योंकि ये सारी फिल्में साथ में आएंगी, बट जब आप एक फिल्म पे काम करते हैं तब आप उस कैरेक्टर के अंदर होते हैं एंड देन ऑब्वियसली यू डिसकनेक्ट एंड देन यू क्रिएट अनदर कैरेक्टर. बट आई होप कि जब आप फिल्में देखें तो आपको वो डिफरेंस दिखे एंड आई होप यू लाइक इट. John, hello sir, here from Midday. First of all, fantastic trailer. The best thing about Attack is the poster. We see Jacqueline Fernandez, Rakul Preet Singh, and then John Ibrahim. We don't have too many films where an actress's name appears before an actor's, and you have taken this stand. So can we see this as a regular practice, at least from your side? Well, I think it was a conscious decision, and I think as a producer, my actors are very precious to me, and Jacqueline and Rakul are very, very precious to me. So they deserve for their names to be before mine. So I don't know whether it can become a practice, but in my case, it'll always be a practice. And talking about the poster, the one person I didn't call on stage because I didn't see him around is Rajiv, who has actually designed these posters. Rajiv, are you in the house? He's not here, but Rajiv from Marching Ants has designed these posters. And he's done a fantastic job with these. So, you know, even placing these, it's a big hand to Rajiv.